Which of the following guess Which of the following gas was released in Bhopal gas tragedy? Bhopal gas tragedy जो हुआ था इसमें जो है कौन सी गैस जो है रिलीज करी गई थी? मिथाइल आइसोनाइट, इथाइल आइसोनेट, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल. द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोनाइट. ये गैस जो है रिलीज करी गई थी 1983 में. जो है ये जो इंसिडेंट हुआ था इट टुक प्लेस इन 1983 वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड. काफी लोग जो है मारे गए थे. एटलीस्ट 30 टन्स दिस मिथाइल आइसोनेट वाज रिलीज्ड. बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो थी ये हुई थी. It was released from Union Carbide Pesticide Plant. In Madhya Pradesh. RMS में भी ये question जो है पूछा हुआ था. Clear? कब हुआ था? 1984 में हुआ था. कहाँ पर? दैट इज इन भोपाल, मध्य प्रदेश. और 30 टन गैस जो है ये रिलीज करी गई थी कहाँ से? यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से. नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. कौन से जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ दिस? बोलीविया, शाइल, घाना, जिम्बाब्वे. Yes, the correct answer is that is option B. That is in South America. Bolivia, ये जो है organic cocoa की जो है production करता है. Ghana, gold. और जो आपका जिम्बाब्वे है दैट इज फॉर टोबैको, तंबाकू. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी एज पर सेंसस 2011 की गणना के अकॉर्डिंग. जो है सबसे लोएस्ट लिटरेसी जो है कौन से स्टेट की जो है पाई गई? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट एज पर सेंसस 2011. बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. यस, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, बिहार. बिहार इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया विद द लिटरेसी ऑफ 63.82% एज पर 2011 सेंसस. दिस इज बिहार 63.8, बाकी इससे ज्यादा है ऑल द स्टेट्स. नेक्स्ट आता है, द टोटल नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू लोकसभा. 8, 6, 4, 2. अगेन रेपिटिशन. Yes, that is option D is correct. दो एंग्लो इंडियंस होते हैं हमारे जो कि नॉमिनेट करे गए थे. पहला एक है दिस इज जॉर्ज बेकर. जॉर्ज बेकर ये कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल से.
इनको ये वेस्ट बंगाल के जॉर्ज बेकर और ये हैं आपके रिचर्ड हे। ही बिलोंग्स टू केरला। ये दोनों एंग्लो इंडियंस जो हैं आपके जो हैं लोकसभा में हैं करंटली। रिचर्ड हे फ्रॉम केरला दिस वन एंड दिस इज जॉर्ज बेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और फटाफट चैट बॉक्स में जरा मुझे लिख के बताइए लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम मेंबर्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंटली कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं? करंटली एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? करंटली लोकसभा में कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं? यस पहले अभिजीत गलत आंसर देता 530 दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन की 530 जो है स्टेट से आए हैं 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आए हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन से हैं। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन 545 एट प्रेजेंट जो है हमारे लोकसभा में जो है बैठे हैं। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्रांस जापान। दैट इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया करेक्ट। देखिए रशिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। रशिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो द कंट्री विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। जो रशिया जो है रशिया के पास जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है कवर अप करती है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ रशिया अलोन जो सिर्फ इनका फॉरेस्ट एरिया है रशिया का अलोन इज द साइज ऑफ द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का उतना तो सिर्फ रशिया का जो है फॉरेस्ट एरिया एरिया है। Another question, who was the founder of Brahmo Samaj? इतने repeat हो गए हैं ना ये questions. Annie Besant, बाल गंगाधर तिलक राजा राम मोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। The answer is correct, that is राजा राम मोहन रॉय। चलिए कुछ extra information कर लेते हैं। Annie Besant, that first woman President of Indian National Congress, Indian National Congress की पहली first woman president। फटाफट chat box में लिखो first Indian woman president of INC, first Indian woman president in chat box। One more thing, Annie Besant plus यो बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने मिलके जो है इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टेड बाय होम होम रूल लीग भी आता है इंडियन होम रूल मूवमेंट भी है वन एंड द सेम थिंग दोनों चीजें सेम है। क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एनी राजा राम मोहन रॉय। ही वाज इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। ही वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ जो ये राजा राम मोहन रॉय हैं इनको जो है
Yes, correct. That is Sarojini Naidu. First Indian woman president of INC. देखिए राजा राम मोहन रॉय को जो राजा का टाइटल है वो अकबर सेकंड के द्वारा जो है दिया गया था. अकबर सेकंड वाज इन मुगल एम्परर. नेक्स्ट आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान के सागर. नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनसे इंस्पायर होके जो है विडो री मैरिज एक्ट भी स्टार्ट करा गया था. नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास इन द ईयर इसने 1929 या फिर 1853. चलिए यहां पर कि अंडर दिस एक्ट वेयर दे फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स. गर्ल्स की मैरिज के लिए जहां पर की फिक्स करी गई थी एज अर्लियर पहले 14 इयर्स और फॉर बॉयज 18 इयर्स. लेकिन लेटर ऑन जो है बाद में जो है इस एज को जो है बढ़ा दिया गया था जो कि 18 कर दी थी फॉर गर्ल्स एंड 21 एज कर दी थी फॉर बॉयज. कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले कितनी थी कब हुआ था 28 सितंबर 1929. 14 इयर्स जो है इसमें रखी गई थी गर्ल्स की मैरिज के बॉयज की 18 इयर्स. लेटर ऑन बाद में चेंज करके 18 जो है गर्ल्स की और 21 जो है बॉयज की. नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द ए6 कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन. व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स. Pattern of population distribution in large urban areas and pattern of population distribution in rural areas. Answer for this. What is population pyramid? That is option A. A graphical representation of the age and the gender, male or female. Which age group of India is guaranteed? Again, so many times asked this question. Which age group of India is guaranteed free education by the constitution? 6 to 14 years, 5 to 13 years, 7 to 14 years, 6 to 12 years. सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स. फंडामेंटल राइट्स में भी आपको बताया था जब एजुकेशन वाला राइट आना था तो अंडर आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए 6 टू 14 ईयर्स ऑफ एज हैव अ राइट टू गेट एजुकेशन अंडर अमेंडमेंट 2002. वेल एक चीज और करी गई थी अमेंडमेंट के तहत ही बोला गया था कि 6 से 14 साल बच्चों को जो इनके गार्जियंस हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या दोज हु कांट अफोर्ड एजुकेशन. तो एज पर स्टैट्स ये पता चला कि 6 से 14 साल के काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश में जो हैं उनको एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है, वो एजुकेशन ही नहीं कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या है एक एक्ट निकाला कि जिसके तहत ये बोला गया उनके गार्जियंस को उनके पेरेंट्स को जो लुक आफ्टर करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए
जो भी खर्चा जो है हम जो है प्रोवाइड करेंगे, यानी कि फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेगी, और कंपलसरी कर दिया गया एजुकेशन सबको 6 to 14 years, और दिस इज ऑल्सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है. Who wrote the book? Last question of the sample paper. Poverty and un-British rule in India. Dada Bhai Nehruji, Badruddin Tayyab Ji, Firoz Shah Mehta, Bipin Chandra Pal. Answer for this. Ajit is now counting ki kaun sa question kitni baar. Now in this one in 9 times. Okay. इन क्वेश्चंस को भी रट लोगे ना बहुत हेल्प मिलेगी. जितने भी अभी तक सैंपल पेपर्स करवाए हैं ना वो सारे सैंपल पेपर्स जो मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई है वो भी कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा सैंपल पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के का एज पर दिस जो क्राइटेरिया जो मैं देख रही हूँ सैंपल पेपर्स का. करेक्ट आंसर इज दैट इज दादा भाई नेहरू जी. एक इम्पोर्टेंट इन्फो बता देती हूँ जी. अभी तक हमने जो है INC की वुमेन प्रेसिडेंट की बात करी थी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू जी हैं रही हैं, तो फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब? इन 1887 मद्रास सेशन से. यहाँ पर जो है आपका ये जो सैंपल पेपर जो है डन होता है. सैनिक स्कूल के तीनों सैंपल पेपर पूरे करवा दिए हैं 18, 19, 20. RMS के 2 सैंपल पेपर्स पूरे के पूरे 30-30 क्वेश्चन ईच उसमें थे, 60 क्वेश्चंस वो हो गए हैं. 60 + 75 135 क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ. ये तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, 200 के करीब क्वेश्चन करवा दिया मैंने तुम्हें विद एक्सप्लेनेशन. अगर कोई बच्चा इसको भी अच्छे से कर लेगा ना तो दिस इज बेसिकली एसेंस, ये है आपकी एक्चुअल में रिवीजन. चैप्टर्स तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पिक करेंगे ही करेंगे. हाँ जी अभी जी बोलो बच्चे. डाउट्स मैं भी 1887 में बने थे क्या प्रेसिडेंट? हाँ जी. ओके मैम. मद्रास सेशन जैसे कि जन गण मन कलकत्ता सेशन में गाया गया था तो सो द सेम वे. अभी एक सैंपल पेपर आप लोगों को और पढ़ा है वो भी करवाना है. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.